अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकारों के हितों को संरक्षित करते हुए राजस्थान राजस्व मंडल ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब राजस्थान के एससी वर्ग की कृषि भूमि को अन्य राज्यों के एससी वर्ग के ही किसान भी नहीं खरीद पाएंगे। यह महत्वपूर्ण फैसला राजस्व मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा और एसडीएस मनोज कुमार नाग की खंडपीठ ने सुनाया है। राजस्थान में दलितों की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए दबंगों को अब 10 बार सोचना होगा। राजस्थान सरकार ने दलितों की संपत्ति की रक्षा के लिए वैसे तो तमाम कानून बनाए हैं, इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से दलित किसानों की जमीन को दूसरे राज्यों के संपन्न दलित ही खरीद लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस मामले में राजस्थान राजस्व मंडल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रदेश के एससी वर्ग की जमीनों को दूसरे राज्यों के एससी वर्ग के लोगों की खरीद पर पाबंदी लगा दी है। खंडपीठ ने यह फैसला भरतपुर की कामा तहसील के गांव नौगावा से जुड़े एक मामले में सुनाया है। हमारे टेनेंसी एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन बना रखा है सेक्शन 42। वो सेक्शन 42 बार करता है कि एक एससी को ही लैंड ट्रांसफर कर सकता है, एग्रीकल्चर लैंड, और एसटी को ही ट्रांसफर कर सकता है। इन दोनों को, मतलब जनरल कास्ट वालों को प्रोहिबिशन है कि वो एससी एसटी की लैंड को नहीं ले सकते। दे कैन नॉट परचेज दैट लैंड, ओनली एससी एंड एसटी इंटरसी ट्रांसफर कर सकता है, एंड इट इज अ पब्लिक पॉलिसी। राजस्थान राजस्व मंडल ने सुंदर बनाम सुलक्षणा मामले को भी फैसले का आधार बनाया है। अदालत ने माना कि राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2009 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में अन्य राज्यों के एससी वर्ग के लोगों की राजस्थान में एससी वर्ग की कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी और इसे गैर कानूनी माना था। इसके बावजूद राजस्थान में एससी वर्ग की जमीनों को गैर कानूनी तरीके से खरीदा जा रहा था। सुंदर बना सुलक्षणा के नाम से है, सुंदर और सुलक्षणा के बीच में था, तो इसमें 2010 में जो जमीन बिकी थी, जो हरियाणा का रहने वाला था आदमी, तो हरियाणा के एससी राजस्थान के एससी की जमीन को खरीद नहीं सकता। तो ये जो सर्कुलर है राजस्थान सरकार का, उसके अकॉर्डिंग फैसला सही करा है चेयरमैन साहब ने और नाग साहब ने। राजस्थान में एससी वर्ग की कृषि जमीनों की सामान्य वर्ग द्वारा खरीद को राज्य सरकार ने पहले ही गैर कानूनी करार दिया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि एससी वर्ग की जमीनों को दबंगों से बचाया जा सके। अब इसी कानून के प्रकाश में अब राजस्थान राजस्व मंडल ने भी दलितों की जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए जो फैसला सुनाया है वो मील का पत्थर साबित होगा। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर।